क्या है, नीचे भी सेम पोर्शन दे रखे हैं। इसमें पीने के लिए पानी, अब जैसे मैं हूँ, मेरी हाइट जो भी सीढ़ी वगैरह है, देखो कितना गजब व्यू है, मतलब एक ऐसा लग रहा है। हेलो गाइज, अब मैं बहुत मतलब थक चुका हूँ सुबह से, और मेरे क्या सुबह ऐसे फास्ट था मेरा, मतलब फास्ट बोलते ना आप, मतलब व्रत था आज का, शनिवार का मेरा भी है, सुनील दोनों का है, सुनील जी का भी है। तो गाइज यहाँ के हम खुद चाय पियेंगे दूध की, गाँव में चाय बना बढ़िया वाली, तो चाय बना दूध में 10 रुपए वाली, 15 रुपए चाय बना बढ़िया, चाय पी रहे हैं, कूलर चाय तो नहीं मिली थी, चाय बड़ी टेस्टी थी, जैसी दूध है। और अंकल जी यहाँ के मतलब जो बांध के पास के रहने वाले हैं, वैसे बांध जो दूर है, तो आप तो यार बता देगा का रहने वाला जो ये किराया दिख रहा है आपको, जो ये रूट जा रहा है ना, ये रोड जा रहा है, ये जा रहा है अपना जो अच्छा भांडर जो किला है उधर जा रहा है, जब बुटो का मेन रोड है, ये रोड जयपुर जा रहा है और ये रोड जा रहा है नारायणी धाम, वैसे ये रोड जाएगा राजगढ़। चाय पी ली थी, यहाँ चाय बड़ी स्वादिष्ट थी। अब मैं जा रहा हूँ भानगढ़ पोर्ट के लिए, और अब मैंने चश्मा भी लगा लिया है, अब मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, और वहाँ का जो नज़ारा है वो देखने लायक ही है। और हम मैं और सुनील जी अब चल दिए, सुनील जी आ जाओ बैठो गाड़ी पे, बाइक मैंने स्टार्ट कर लिया है और अब दोनों चल दिए हैं हम। जो यहाँ नज़ारा है ना, उसकी मैं आपसे क्या मतलब क्या बताऊं आपको उसके बारे में। यहाँ के जो लोगों में मिठास, जो प्यार, हमको इतना जो ताऊजी थे वो चाय पी हमने, इतना हमसे इतना प्यार से बात की, उन्होंने बोला यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ही यहाँ से भानगढ़ पोर्ट है। अब हम आपको जो मेन चीज़ दिखाएंगे ना यहाँ पे, जो आपने जो करण अर्जुन की जो मूवी देखी थी उसमें जो एक पुल आता था, जो बैलगाड़ी के द्वारा वो जाते थे, वो उसकी माँ और दोनों बेटे, वो जैसे शाहरुख खान और सलमान खान, वो भी दिखाएंगे हम आपको। जो गोला का वास था वो फेमस क्यों है वो भी दिखाएंगे हम आपको, क्योंकि वहाँ एक मतलब जो पत्थर होता है वाइट कलर का, उसकी एक मतलब जो मूर्ति बनती है भगवानों की, वो वहाँ पे बना, वहाँ के जो लोग हैं वो अपने हाथों से द्वारा बनाते हैं वो, तो इसी वजह से गोला का वास फेमस है। तो हम कुछ ही देर में मतलब भानगढ़ पहुँचने वाले हैं, और पहुँच रहे हैं बाइक हम धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, और मतलब दोनों मैं सुनील जी बात करते करते जा रहे हैं। और जो ये पुल है ना, आपने करण अर्जुन मूवी देखी थी, जो गाना था वो गाना इस पुल पे शूट किया गया था, शाहरुख खान और सलमान खान जब एक ऊंट गाड़ी में बैठ के जाते हैं, तो ये वो पुल था जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान एक ऊंट गाड़ी में बैठ जाते हैं, ये वो पुल है। करण अर्जुन मूवी का शूट किया, पत्थर की मूर्ति बना जाती है, जैसे देख रहे हो कितनी सारी मूर्तियाँ हैं। तो ये जो गोला का पास है, ये मूर्तियों के लिए फेमस है यहाँ, क्या जैसे व्हाइट मार्बल, जैसे कि आप देख रहे हो ना, देखो ये तो इधर को ये दीवार लग रही है, और ये मेन गेट है, जैसे आप ये झंडा सा लग रहा है, तिरंगा सा, ये मेन गेट है। और हम जब से धीरे धीरे अब अंदर जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे जैसे मेन गेट, जो मेन गेट से अपन एंट्री करते हैं ना, जो किला का जो मेन गेट हुआ करता था वो ये किला का मेन गेट है। देखो आप जैसे अब ये भाई आ रहा है, अब जैसे जो हमारे आगे जो ये जा रहे हैं लोग जो एंट्री कर रहे हैं ना, ये इसका मेन गेट है। जैसे आप मेन गेट पर जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या टिकट लेना पड़ता है किले के अंदर जाने के लिए। और देखो मैं सुनील दोनों जा रहे हैं, अब जैसे मैंने एंट्री गेट से मेन गेट से एंट्री कर ली है, सुनील जी भी आ रहे हैं पीछे पीछे। और जो ये बगल में दिख रहा है, यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, ये बगल में दिख रहा है, ये हनुमान जी का मंदिर है। और इसके सामने मतलब जो यहाँ पे क्या है, एक टिकट मतलब यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से टिकट कटाया जाता है, तो हमारा टिकट एक आदमी का समथिंग 2500 रुपये का है। और अब हम टिकट कटाने में थोड़ा व्यस्त हो गए हैं, तो थोड़े एक मिनट टिकट कटवा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, लेकिन क्या है कि जैसे यहाँ मैंने मेरा कार्ड दिख, जैसे ये उस टाइप का किला था,
अब देखो किला कितना खंडर हो चुका है ये, अब देखो कितना एरिया में होकर फैला हुआ है ये, एक साइज में मकान देख लो आप। अब देख लो उस जमाने में ये रोड हुआ करते थे, वो देखो ये पत्थर के रोड है, आजकल डामर के और सीमेंट के रोड बनाए जाते हैं, लेकिन उस टाइम भी देखो कितने विशेष भयंकर इंजीनियर हुए होंगे। देखो उसी आकार में मतलब एक साइज में पूरे मकान बनाए हुए हैं, और ये देखो मकान। अब तो क्या है उस टाइम मतलब यहाँ जब ये गांव मतलब जब ये किला था, जब एक रात को ये यहाँ से मतलब उधर चुका था, उसके बाद में देख लो आज भी अवशेष हैं, ये वही चूना है, वही पत्थर है। तो यहाँ तो मतलब भूत तो था यहाँ पे, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसे सोचते हैं भाई। हाँ रियलिटी में यहाँ भूत रहते तो होंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे लग रहा है एरिया खंडर टाइप में लग रहा है। डर तो हमको लग रहा है कि हम दोनों हैं यहाँ पे, पब्लिक वब्लिक है नहीं, देख लो अब राज में झूठ नहीं बोल रहा, चारों तरफ कोई कुछ नहीं है, सुनसान एरिया है। और अब मेरे तो डर सब लग रहा है, लेकिन क्या करें, अब दो लोग ही हैं, अब क्या करें। और लोग फंस लेके उस टाइम देखो पानी का कुंड भी था यहाँ पे, कुछ तो हुआ होगा यहाँ पे, देखो पानी का कुंड भी रखा है, बना हुआ है यहाँ पे। से टिकट ले लिया हमने, अब एंट्री कर चुके हैं, टिकट ले लिया हमने। कैसे वो मैं तो क्या स्टाफ का मैटर है क्या, तो मेरे को तो वो मतलब जो यहाँ के जो ऑफिसर है उन्होंने दोनों को फ्री बोला जा सकते हो आप। और देखो जैसे ये जैसे कितने भी ये और यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, आज मतलब आज भीड़ तो बहुत रहती है इधर, अब पहले कोई नहीं आता था यहाँ पे। और देखो कितना बड़ा किला था, लेकिन अब घंटा बन चुका है, यही है वो तो गजब कलाकार थे, मतलब जो कला के जो इंजीनियर थे ना, देखो ये कमरा है, ये बाजार था उस जमाने का, मतलब जिसमें बाजार लगता था यहाँ, ये बाजार था ना रियलिटी में यार। मैं तो क्योंकि आपने कोई बताने वाला नहीं है ना, लेकिन ये बाजार था रियलिटी में, क्योंकि उस तरफ से दुकान है ये। हाँ तो ये दुकानें वगैरह है, बाजार था, बाजार था। और ये क्या, ये जो मैन था ना, ये पीछे है जो उसको दिखाया था अंदर चल के, इधर से एंट्री करे यार, आगे से है, अभी दिखाऊंगा इसको। ये पूरा मार्केट रहा है कोई टाइम ना, ज्यादा पब्लिक उधर ही है, मोस्टली तो सब रील्स बना के आते हैं यार। कहीं तो रास्ता होगा इसका, चढ़ के चलना पड़ेगा। रुक जा मैं आपको डाउन कर दूं, आज भानगढ़ को एक्सप्लोर करके ही चलेंगे अच्छे से। कुआ है क्या ये? हाँ बाजार भी इस तरह से बना हुआ है, मतलब एक साइड में पूरा मकान, पूरा बाजार बना हुआ है। देखो मकान जो भी है एक साइड में, देखो उस टाइम में लगता होगा ये जो ये चीज़ है ना, ये कमरे हो गए करेंगे, एकदम कमरे सही है ना, ये हॉल होगा। मतलब अब बोलते हैं अपन अपने क्या है, सुनो जी, वो मुझे लगता है कि बोल उस मतलब लैट्रिन बाथरूम हुआ करते होंगे। हाँ वो, अरे वो कुछ गुप्त सामान रखते होंगे इसमें लोग, ये तो महल टाइप में कुछ ऐसा। ये उस टाइम वो थी तिजोरी, तिजोरी थी उस टाइम, तिजोरी मतलब जो अपना तंबाकू वंबाकू रखते थे इसमें, अपन ऐसे ही कहेंगे। अब इधर से नीचे उतर के फिर उधर चले गए, वो चल रहा है लाइन से, मैं बोल रहा हूं चला गया। सुनील जी कुछ भी थी उस टाइम, देखो सीधे साथ में डबल मंजिल, ठीक है। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज देखो आप, पहले के जमाने का जो एक चीज दिख रहा हूं आपको, कुछ ना यहां लोग बहुत कम आते हैं यहां पे, क्योंकि डरते हैं लोग, अपन ऐसे उतर के नीचे उतर के फिर उस महल में चलते हैं। यार ये तो काफी गहरा है, एक कुआ है, और एक कुआ कम से कम जो गहराई है ना वो 50 फुट है, सब नीचे है ये। उस टाइम उसमें पीने के लिए पानी का यूज किया जाता था, इसको पानी पीने के लिए कुएं का निर्माण किया था। और देखो इतनी अच्छी कलाकार थी, मतलब जो इनकी आकृति है यहाँ की मकानों की, ये जो है ना ये 1587 में बनाया गया था ये किला। देखो ये देखो इतनी गजब कलाकार थी, मतलब ये पहले की है ये आकृति जो ये है। अब जैसे मैं हूँ, मेरी हाइट 6'2" है, तो ये समथिंग 6.5 फुट का वो है दरवाजा है। ये एक मकान हुआ था, जो भी चिड़िया वगैरह हैं
देखो कितना गजब व्यू है, मतलब एक ऐसा लग रहा है कि वास्तव में क्या पहले के आदमी बहुत ज्यादा दिमागदार थे, इंजीनियर तो क्या वो महान इंजीनियर थे। इसमें क्या है, इसमें कोई ये रूम हुआ करते थे ऐसे, अस्तभूत है, इधर ऊपर चलते हैं सीढ़ियों से। और जैसे दो मंजिला थी यार, दो मंजिला है यहाँ पे सीढ़ियों की सहायता से, अब हम चलते हैं ऊपर। ये ना ये ऐसा था कंप्लीट, सुन देखो आप पूरे जमाने के वो आने के लिए सिर्फ कितनी विंडो रखी है, कुर्सी है, ये जंगले हैं देखने के लिए, और ये पानी निकाल सोफा समथिंग उस टाइम का, ये स्नान घर होगा हां समथिंग लग रहा है मुझे, मेरे को उस टाइम का स्नान कर रहे हैं। यार ये क्या हो सकता है उस टाइम, इतने छोटे छोटे कमरे, पहले ऐसे गुंबद टाइप में बनाते थे इसको, पूरा ये चूना सा बना हुआ है। ठंडा कितना है, बिल्कुल ऐसे का बहुत ठंडा है। इसमें चलते हैं आजा यार, ये किसी का महल हो सकता है, ये तो किसी का महल है, किसी का महल था, बाजार था, महल बाजार था ये। हाँ। किसी की हवेली थी ये, देखो ये मतलब महल तो नहीं था, ये हवेली थी। चलते हैं इसमें भी, ये एंट्री गेट, ये दीवारें रही होंगी, ये टूट गया इधर से है ना, इसकी छत भी खत्म है, खतरा सब कुछ जाने का। ऊपर चलते आजा आजा, ऊपर चल के देखते हैं क्या हो सकता है। यार ये क्या हो सकता है भाई, गुफा ओ, यार ये घर किस टाइप का है, ये तो समझ से ही बाहर है। अच्छा ये वो है ओखली, हाँ जो गांव में अपने आज भी गांव में है काफी जगह, इसमें जैसे अनाज कूटा जाता था इसमें एक मूसल टाइप को लेके, तो ये ओखली टाइप ही है। बरामदा टाइप का है यार। हाँ। ये लगता है ऐसे रहा है किसी का कोई बड़ा घर हो, ये है नीचे क्या है, नीचे भी सेम पोर्शन दे रखे हैं, इधर लोग बहुत आते हैं यार। चले तो मैं एक बात बताता हूँ युवा साथियों को यार, ये एक मतलब एक ऐसा हिस्टोरिकल पैलेस है, यहाँ पे शराब वराब ना पीले, पैलेस है जैसे शराब पी के पड़ा रखे, ये मतलब बहुत मतलब घटिया लोग है जो घटिया लोग हरकत करता है, मतलब ये शराब पी के पड़े, मतलब यहाँ विदेश पर्यटक आते हैं उनको वो क्या बोलेंगे यार, इंडिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं बात में, ये गलत चीज है सब, इसका ध्यान रखा करो यार। ये वाकई में वैसे तो खूबसूरत बाजार बना रखा है यार, हमने आपको बाजार दिखा दिया था पहले का बाजार था, हुआ था ये हवेली हुआ करती थी किसी की, क्या ऐसे बोलते थे साहूकार लोग बोला करते थे, साहूकार लोग साहूकार जमींदार लोग, और जिधर से ये भी था जो ढह चुका है पूरा, अब हम आपको मेन चीज दिखाएंगे, मेन किला कहाँ पे है यहाँ से, अब जो किला है ना यहाँ से समथिंग एक किलोमीटर दूर किला है, उससे बाद में चलेंगे, पहले वहाँ चलेंगे उस पर, वो मंदिर है।